आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव अपने लगभग आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली निगम चुनाव में आप और भाजपा दोनों में टक्कर मानी जा रही है, पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर चुनाव जीतने का दम रख रहे हैं। इसी कड़ी में सदर बाजार वार्ड 70 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज राणा भी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाला शास्त्री नगर वार्ड 70 के मुस्लिम बहुमूल्य इलाके इंद्रलोक में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर लोगों के बीच पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की और कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाते हुए कहा, शीला दीक्षित के समय में जो भी काम हुए वो काम बेहतर थे और अब जनता आप पार्टी और भाजपा दोनों पर विश्वास करके देख चुकी है और अब जनता के पास कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए 4 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील के कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। ये केजरीवाल क्या बोलते हैं, वैसे तो हमारे कार्यकर्ता में नहीं आता, पर वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिसके अंदर हम उसका सौंदर्य का काम करेंगे, क्योंकि भगवान का मंदिर इंसान नहीं बना, ऐसा नहीं कर रहे हो, इंसान सौंदर्यकरण इन्होंने बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं, अभी सर्दियां आने वाली है, बच्चे आज आज जैसे टाइम में बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे, निगम के स्कूलों का सुधार करेंगे, जो कि केजरीवाल सरकार बोल रही है कि हम निगम के स्कूल में वो करेंगे। अरे अगर आप दिल नहीं दी तो पिछले 8 साल में आपने क्यों नहीं किया, इन लोग कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, पिछले सालों में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे, अब इनका कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, उनको इलेक्शन जीतना है। हम तो सीधा सीधा आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आने वाली 7 तारीख को सदन में कांग्रेस का मेयर होगा। लोगों का समर्थन आप मर्यादा में मेरे साथ चलते देखिए, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें इतना प्यार का जनसैलाब चल रहा है कि उस रास्ते में जो भी नफरत की भावनाएं आती है वो प्यार में बदल के उसमें सम्मिलित हो जाती है। उसी तरीके से जब हम पद यात्रा करते हैं हम कोई भेदभाव नहीं करते, बड़ा है छोटा है, बुजुर्ग है माता है बहन है, हम सबको सर झुका के नमस्कार करते हैं, हम आशीर्वाद ले रहे हैं और लोगों को ये कांग्रेस मैं कुछ नहीं होता, लोगों को कांग्रेस का ये जो भारत को जोड़ने का तरीका है वो बहुत पसंद है, भाजपा भारत को तोड़ती है और कांग्रेस भारत को जोड़ती थी, जोड़ती है और जोड़ती रहेगी हमेशा। कांग्रेस बता नहीं सकता, इंद्रलोक में एक तरफा कांग्रेस है, शास्त्री नगर इंद्रलोक में एक तरफा कांग्रेस की है कि जो हमारी पुरानी पार्षदा थी प्रेरणा सिंह जी, उन्होंने जनता के बीच में रही है, काम किया है तो हमें उसका फायदा मिल रहा है। और रही बात शास्त्री की, शास्त्री झूठ पार्षद बबीता जी, उन्होंने एक कोई काम नहीं किया है, रोडें टूटी पड़ी है, निगम के स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ है, पार्क दयनीय स्थिति में है, तो वहां से भी लोग बदलाव चाह रहे हैं, वहां पर लैंडर माफिया फैला हुआ है, उनका भाई कोल्डी वो घर घर जाकर लैंडर नहीं बना, कोई घर नहीं बना सकता गरीब आदमी, जुराब मार्केट हौजी मार्केट में वसूलियां करता है, लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, किसके देख रहे हैं, मोदी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है, 24 में मोदी जी का जाना तय है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। बीजेपी को और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है, पूरे स्टार प्रचारक से लेकर पूरे मंत्री भी है ना यहाँ पे पहुँचा दिए रोड पर रैलियों के लिए, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं किससे टक्कर है? देखो ये इतना तो जोर लगाना पड़ता है क्योंकि इस बार इनका नंबर नहीं है, इस बार जो दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम कराए थे, कांग्रेस ने काम सजाए थे, वो उस काम को सजाने के लिए पब्लिक याद कर रही है, अब वो याद कर रही है कांग्रेस को, ये जो बुरी हालत दिल्ली की हुई है, कोई स्कूल नहीं बना, शराब एक बोतल के साथ दो पी ली, इस तरह के जो मामले आए हैं ना वो पब्लिक उनके साथ नहीं है, तो वो जोर लगाएंगे ही बेचारे, क्योंकि कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, आपको बताना चाहता हूँ। जो इंद्रलोक की जो सीट रही है वो भाई निगम पार्षद हमारी यहाँ पर रही है और उन्होंने बहुत काम किया है,
हमारे हमारे परिणाम मिलेगा हमारे पंगा, क्योंकि ये बहुत काम करने वाले हैं। इनके डैडी ने बहुत कुर्बानियां दी है यहाँ पर। जो प्रहलाद सिंह राणा जी थे वो इनके फादर थे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी है, बहुत काम करा है। जगदीश टाइगर साहब के साथ जो एमपी रहे हैं 20 साल, उनके साथ मिलकर काम करा है, तो उसका हमें बेनिफिट तो मिलेगा। गाय दूध देती है कि नहीं देती है, बोले देती है। बैल भी खास खाता है। केजरीवाल शुरू से ही झूठ बोल रहा है भाई। तो बैल को झूठ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। वो अगर जीरो बोल रहे हैं तो आप 2-0 लगा के पहले एक नंबर लगाइए, 100 सीटें। तो एक तो बैल को कौन सी ताकत दूध देने से रहा है? लोगों को मिनी पार्षद का सीधा सा पहले झूठ बोलो और उस झूठ बोलने में प्रचार ये सब झूठ बोले। बताओ यार एक बार बताओ कि केजरीवाल तो वाईफाई फ्री दे रहे थे, वाईफाई फ्री मिला क्या आपको? पानी साफ सुथरा दे रहे थे कि भाई फिल्टर का पानी मिलेगा, फिल्टर का पानी मिला? पब्लिक से पूछो काला पानी की बोतल लेकर आई हुई दिखाने के लिए, आप पब्लिक के बीच में जाओ ना। सर केजरीवाल ये भी कह रहे कि अगर हम निगम में आ गए तो हम यहाँ के बहुत टाइम दे दिया उसे पब्लिक ने, 8 साल दे दिया लगभग पंकज जी, 8 साल दे दिया। 8 साल में शराब फ्री तो जरूर मिली है, लेकिन स्कूल का एक क्लास भी नहीं पढ़ी। कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, सीटें भी बात की बात है कि कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान सिख ईसाई सबको एक तरह जोड़ती है। कभी सुना है राहुल गांधी किस तरीके से हजारों किलोमीटर बात करते आ रहे हैं? किस लिए? अपना नाम मशहूर करने के लिए? नहीं, जहां जहां पे लोग हिंदू मुसलमान आपस में बटाने की कोशिश करते हैं, नहीं, इस देश को जोड़ो। महात्मा गांधी ने जोड़ा था, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। आज गालियां देती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को? आज गालियां देती है इंदिरा गांधी को, जिसने तुम्हें बसाया है, जिसने तुम्हें बसाया है? इस देश के अंदर एक प्यार का एक समान दिया गया है, इसलिए आज इसलिए मैं इस बेटा आज आपके सामने जो खड़ा किया पार्टी ने, ये मेहनत करेगा। ये लेंटर पे पैसा लेने वाला आदमी नहीं है, लेंटर में लोगों को लूट लिया गया, यहां से कोई पूछने वाला नहीं है। आज क्या क्या नहीं मेरे मन में इतना बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए भी, क्योंकि जब इसने मुझे कहा कि आपने, मैं कहा मेरा घर है, आपको याद नहीं मेरी बहनें बैठी हुई हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे बीच में यूपी चले गए हैं, यहाँ देखा कि भाई 5-6 बहनें इतनी बीमार हो गई थी, आपको मैं याद करना चाहता हूँ। मैंने अमेरिका से 9 अमेरिकन डॉक्टर लेडी डॉक्टर मंगाई थी, पता नहीं मुझे कोई याद है कि यहाँ कैंप लगा था, याद है कि नहीं? यहाँ कैंप लगा था लेडीज का, उन्हें कहा था डॉक्टर साहब आप एक ध्यान रखिए इनकी हेल्थ के लिए। कौन करता है जिसने अपनी माँ के रूप देखा है, जो अपनी बहन का रूप देखा है आपको? मुझे लगा बुरा मैंने करा गया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बेटा आपके सामने कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मेहरबानी करके इसे जिताइए, जिताइए इसको कि इस तरीके से जैसे मैंने सेवा करी है, पार्टी ने सेवा करी है, मैं कान पकड़े कहता हूँ मेरे बेटे के बराबर है कि आपका काम करेगा, मेहरबानी कर। भाई दे ये मैं तो भूलना भूल ही गया, इसके घर में बैठ के मैं मीटिंगें करी थी। क्यों भाई? घर में बैठ के मीटिंग, इसके घर के पीछे मीटिंगें करी थी। मैंने कहा यहाँ 9-10 घर ऐसे हैं जब खाना खा के हमने बैठ के लोगों के सामने स्वस्थ दे दी। आज हुई, आज ठीक हुई, आज आज आप बसे हुए हैं इस देश के अंदर, इस देश दिल्ली के अंदर जगह में, इसलिए। और आज जब हम आपसे वोट मांगने आ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा हक बनता है एक बाप के नाम से, एक बेटे के नाम से, भाई के नाम से आपसे कहते हैं इस बेटे को जिताइए, मेहरबानी, बहुत बहुत जय हिंद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।